देश की राजधानी दिल्ली में आज राजनीतिक दलों की कई अहम और बड़ी बैठकें होनी हैं। एक और जहां बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की भी बैठक होगी। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग भी बुधवार सुबह हो सकती है। वहीं इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में 5 जून से केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। इसी तैयारी के लिए राष्ट्रपति भवन 5 से 9 जून तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में 9 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। आंध्र प्रदेश में जबरदस्त जीत दर्ज करने वाले तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू भी 5 जून को दिल्ली पहुंचेंगे। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एनडीए का हिस्सा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि 5 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए सहयोगियों की संभावना तलाशने से इनकार नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि वे किसी भी निर्णय से पहले अपने सहयोगियों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। सहयोगियों को भी विश्वास में लेकर ही आगे कोई भी रणनीति बनाई जाएगी। यही कारण है कि 5 जून बुधवार यानी आज होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठकों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मतगणना के दौरान भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन अभी तक किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं अब तक कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें हासिल हुई। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी यानी तेदेपा के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन में उनके शामिल होने की संभावना पर बातचीत कर रहे हैं। चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा के मुताबिक भाजपा को 240, कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी यानी सपा को 37, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को 29, डीएमके को 22, टीडीपी को 16, जेडीयू को 12, शिवसेना यानी यूबीटी को 9, एनसीपी को 8 सीटें मिली हैं। इंडिया और एनडीए की बैठक है। ठाकरे ने आरोप लगाया है कि संयुक्त आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू और नीतीश कुमार दोनों भाजपा से परेशान हैं। इंडिया गठबंधन को 231 सीटों पर जीत मिली है। ठाकरे ने कहा कि आम आदमी ने अपनी ताकत दिखा दी है। उन्होंने कहा कि अगली सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने की जरूरत है। बुधवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी फैसला किया जाएगा। राजनीति से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए द नगरी मीडिया के साथ। नमस्कार।